भगदड़ में भगोड़े बाबा सूरजपाल कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। 121 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा का बाल भी बाका नहीं हुआ। जांच में बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। 300 पन्नों की रिपोर्ट में आरोपी बाबा सूरजपाल का कहीं भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। पूरी जिम्मेदारी सत्संग के आयोजकों पर डाल दी गई है। सवाल यही है कि क्या सूरजपाल सच में इतना भोला है या बाबा का रसूख इतना है कि जांच रिपोर्ट में उसका नाम दबा दिया या हटा दिया गया। सात दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के सात दिन बाद मामले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई। दो सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है, उन्हीं की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भीड़ के बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स है, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी, जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने नारायण साकार हरि को पाखंडी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने का अल्टीमेटम दिया है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दी गई है जिसमें हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान जगह जगह है राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर मिले जिसमें हिंदू मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए। ये पोस्टर किसने लगाए ये अभी सवाल बना हुआ है। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछते पोस्टर से सियासत जरूर हाई हो गई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए। हिंदुओं को लेकर लोकसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू को हिंसक कहने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, रायबरेली के हिंदू मतदाताओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। राहुल गांधी किस धर्म के हो जवाब दो। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया था। उन्होंने कहा था, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर है। मंच से तो वो बोलते ही रहते हैं शहीदों के लिए, फौज के लिए। बाहर से जब उन्होंने बात की तो क्या प्रतिक्रिया थी राहुल जी? जैसे एक भाई बात करते हैं, एक माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। इसलिए मैं और भी इमोशनल हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े पर्सन से मैं मिलने आई हूँ। फौज को लेकर के उनके मन में क्या होता है ये? फौज के लिए अग्निवीर की बहुत बात करते हैं। हाँ, अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं एकदम 100%। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।